हेलो माय चैनल, हमारे डे लाइफ, इट्स मी साक्षी पांडे न्यू। सो अभी मैं मोमोज बनाने जा रही हूँ, जिसका मैं रेसिपी बताती हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। सो रेड गेट स्टार्टेड। सो पहले चटनी बन रहा है जो रेड चिली का बनता है। सो अभी मैं पानी गरम करने रख दूँ। ये है 10 मिर्चा, 10 लीजिए, जितना आपका मन है। मैंने लिया है 10 लिया, तो ये अब इसमें डाल देना है ताकि ये एक बार उबल जाए, और उबलने के बाद तब इसको छानना रहेगा। और इधर मम्मी करेले का सब्जी चौकी है, बिकॉज अभी शाम है तो रात के लिए खाना बन रहा है, इसलिए उधर बोला, उधर मैं मोमोज बना रही हूँ। तो ये है पत्ता गोभी, ये है फूल गोभी, शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, जो जो सब्जी आपको लेना है, जैसे नूडल्स में रहता है। बट अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है सब्जी, बिकॉज नवरात्रि चल ही रहा है, तो उसके हिसाब से 9 दिन के बाद ही मम्मी जाएंगी लेने, क्योंकि उसके बाद मम्मी का व्रत होता है, तो मम्मी वहाँ चाहती नहीं है, तो इसलिए अभी इतने से काम चलाना है। बट आप जैसे नूडल्स में जो जो सब्जी यूज़ करते हैं, वो सब आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको काट लेती हूँ, दोनों को लेती हूँ, क्योंकि चटनी बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसको आप छान के पीसोगे, उसके बाद भी ये अभी पकने में इसको फिर पकाया जाएगा, इसलिए पहले इसको मैं बना दूँ, उसके बाद फिर आगे इसको। और टमाटर काट लेती हूँ। ये पेस्ट रेडी है, अब इसको मैं जिसमें मैंने पानी में इसको उबाला था मिर्चा को, मिर्चा, अदरक है, टमाटर है एंड धनिया पत्ती, और मिर्चा तो रेड वाला ही होना चाहिए, सूखा, तभी ये पेस्ट है। थोड़ा पानी इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये 40 मिनट्स अब ये पकेगा, पकते 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 टेस्ट आएगा। ठीक, अब इसको मैं रख लेती हूँ। मैं हींग डाल रही हूँ और अब इसमें मैं ये सब सब्जी को और इसको भी चलाते रहिए, ये आपको चलते रहे साथ ही में, इसको हो रहा है, पहले एक बार इसको चला लीजिए, ये चटनी को चलाइए और इसको भी साथ। ये मसाला है चाउमीन का हक्का नूडल मसाला, वेरी टेस्टी, जिसको आप खाते ही कर देंगे, ये प्रमोशन था हक्का नूडल। ऑल ऑफ देसी मसाला, तो चाउमीन का ये 3 मसाला मैं डाल रही हूँ, इसको वेल मिक्स कर देना है। साथ में चौन ब्रास का भी ऐड हो रहा है मेरे, ये है पतंजलि का नहीं है, मुल्तानी का है भैया, तो आप भी जाइए, आप भी खरीदिए, वेरी स्पेशल है, गो एंड बाय दिस। इसके साथ आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा और COVID-19 से भी आप बचेंगे और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इसमें जलने ना लगे इसके प्रमोशन की वजह से। तो यहाँ अब इसको मिक्स कर लीजिए, कितना बड़ा चम्मच है, इसी के हिसाब से आपको 2, क्योंकि मसाले में ही है रहता है नमक, तो 2 चम्मच आप डालिए इससे।
मैदा। अब मैदा को सान लेना है, जो मैं सानती हूँ उसे। अब ये हमारा दम रेडी है। एकदम आपको अच्छा करना है ताकि एकदम अच्छा रहे। एकदम अच्छा करना, अच्छा रहे मतलब जितना स्मूथ सानोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इसको चकई बना देना है, जिससे रोटी में तो बड़ा बनता है, पूरी के हिसाब से, सॉरी गुजिया के हिसाब से आप बना सकते हैं। ये गोल ऐसे आपको पहले पूरे आटे को मैं बना लेती हूँ पहले चकई, उसके बाद तब मैं भरने का चारों में शुरू करूंगी। तो ये मेरा पूरे अब मैंने बेल लिया पूरा, क्या अभी थोड़ा बच्चे हैं ये आटा, बट मैं देखना चाहिए इतना ज्यादा मैंने नहीं बनाया है, सो उस आटे को मैं यूज कर लूंगी किसी और चीज में। सब चलिए भर लेते हैं ऐसे। मुझे पता है ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल नहीं आता है, तो ऐसा नहीं जिसको आता है आप कर सकते हैं। मैंने खुद ही स्टार्ट किया है कुकिंग करना ही कह सकते हो, कुकिंग ही करना मैंने अभी स्टार्ट किया है। ये देखिए रेडी, ओके। हाँ तो अब इसको मैं यहाँ पे रखती रहती हूँ, और ये देखिए मेरा हो रहा है, अब बहुत तगड़ा सूखने लगे हैं, क्योंकि आप इसका ये देख सकते हैं डार्क हो रहा है, और डार्क होने दीजिए थोड़ा देर, कम से कम 5 मिनट और डार्क हो जाए, उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी। ये पहला बन गया है, अब जैसे मैं पहले पूरे को बना लेती हूँ। सो ये देखिए पहले मैंने पूरा बना लिया है। सो अब क्या है कि आपको भफाना है मोमोज को, सो ये इडली का बर्तन है, लेकिन आप कढ़ाई में जैसे केक बनाते हैं तो वैसा भी आप कढ़ाई ले लीजिए, उसमें स्टैंड लगा के रख के कोई चीज और फिर आप रखिए। सो जरूरी नहीं कि आपके पास मोमोज का ही स्टैंड हो, तो मैं अभी तो इडली पे बना रही हूँ, क्योंकि ये कॉमन है, ये तो ज्यादातर सभी के पास मिलेगा। तो मैं इस पे इसको रख देती हूँ, सॉरी ये साइज है पहले छोटा छोटा, इसमें मैं 3 रखा है, 1 2। अब ये पहला रख लिए और फर्स्ट, अब ये सेकंड, ये फर्स्ट आपका पूरा रखा गया है, अब सेकेंड भी रख लेती हूँ। नॉडी को चाहिए है, उनका रोना शुरू है हुआ था। अब आप इसको ढक दीजिए, इसके जो स्टैंड है ये इसका है कैप, जो आप ये बंद कर दिए। अब इसको पकने दीजिए और तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है मोमोज, एंड ये मेरी चटनी है, चटनी आई थिंक आपको अच्छी लगी, और ये मोमोज। सो हाँ बहुत टेस्टी है, सो आई थिंक यू विल लाइक माई वीडियो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं वीडियो डालती रहूंगी और आप सपोर्ट करते रहिए। फॉर दैट स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, मिल जाओ एंड नमस्ते।